ऑल राइट, सो गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आफ्टर बोले ना लॉन्ग टाइम हम लोग आज जा रहे हैं राइड पे, मतलब लिटरली बीच में जब वो मैंने लास्ट मार्शल्स की राइड की उसके बाद मेरे को तो नहीं लगता मैं बीच में कहीं राइड पे गया हूँ। तो बहुत दिनों के बाद आज राइड पे जाने वाले हैं, और आज हम किसके साथ जा रहे हैं, कौन कौन है, सब आपको ब्लॉग में दिखा दे रहूँगा मैं। तो जो लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करो, और क्योंकि हमारी बाइक स्टार्ट हो रही है, मतलब पोस्ट स्टार्ट पर उसको रख दिया है, तो बाइक पोस्ट स्टार्ट हो रही है, तो वैसे ही होता है, निकल जाएंगे सीधा। तो चलो ब्लॉग में बने रहो और आगे एंजॉय करो। फाइनली राइड हमारी चालू हो गई है, और आज मतलब प्रॉपर राइड बोल नहीं सकते इसे, आज हम लोग बस एंजॉय करने के हिसाब से निकले। आज के राइड में हम पांच लोग जा रहे हैं, एक मैं, अक्षय, एक और अक्षय हमारे साथ, फिर एक अभिषेक करके, एक अनुराग करके, हम पांच लोग हैं। और आज हम लोग स्टे के लिए जा रहे हैं, तो ये एक राइड नहीं बोल सकते, क्योंकि राइड में मैं पूरा प्रॉपर गेयर अप एंड ऑल ये सब करके निकलता हूँ, ये राइड नहीं, आज बस एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं। और प्लान स्टे का है, तो लोकेशन जो तुम देखोगे ना, क्या सही लोकेशन है, कसम से बोल रहा हूँ, बहुत सही लोकेशन है। तो आगे तो बने रहो यार, और क्लाइमेट नसीब है अभी तक तो हमारा कि बारिश नहीं चालू हुई है, ये सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट है, क्योंकि हम लोग को लगा था कि भाई बारिश मिलेगी, और अभी तक ये पॉइंट तो अच्छा है कि अभी तक बारिश हमें मिली नहीं है। तो बस होप फॉर दी बेस्ट कि आगे भी बारिश ना मिले, मगर हमें इतना तो पता है कि जिधर हम जा रहे हैं उधर कन्फर्म बारिश मिलने ही वाली है हमें, मगर आगे का आगे देख लेंगे। बस राइड स्टार्ट करते हो बारिश नहीं चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट बहुत चिल है, एकदम ठंडा क्लाइमेट है, बारिश नहीं, फुल क्लाउडी क्लाइमेट। और ये आ गया जो हमारा टोल आने वाला था बीच में, और मैंने अभी तो लोकेशन अपडेट नहीं दिया आपको कि हम लोग आज जा कहाँ रहे हैं वैसे, और मैं अभी आपको फ़िलहाल दूंगा भी नहीं, सीधा अभी राइड पे आप देखते जाओ बस कि हम जा कहाँ रहे हैं, क्योंकि इधर मैं ऑलरेडी गया था, मैं पहले मैं ट्रैक के हिसाब से गया था, राइड करके पूरा बस एंजॉय स्टे ये सब पर अभी प्लान नहीं किया था मैंने। आज के ब्लॉग के बारे में बताऊँ तो आज के ब्लॉग में आपको बस राइड नहीं देखने मिलने वाली, नॉर्मली यही होता है कि मैं राइड करता हूँ, फिर मैं एक लोकेशन पर जाता हूँ, फिर उसे रिटर्न आता हूँ बस, मगर आज के राइड में वैसे नहीं होने वाला। आज मैं आपको बीच में राइड दिखेगा, बीच में ट्रैक दिखेगा, फिर हम लोग का कहीं आपको कुछ भी बोले ना, मस्ती मज़ा कुछ भी, किधर जा रहे क्या कर रहे कुछ नहीं प्लान है आज का, बस जो करना है करो। पहले एक बस माइंडसेट होता कि नहीं अभी हमें ये टाइम पे निकलना है, अभी इधर पहुँचना है, इतने टाइम में कवर करना है, मगर आज वैसे कुछ भी नहीं है, आज बस जैसे हो रहा है वैसे होने दो। तो मेरे हिसाब से तो आज के ब्लॉग में मज़ा आने वाली है आप लोग को, क्योंकि मैं खुद ये ब्लॉग के लिए एक्साइटेड हूँ, क्योंकि फुल एंजॉय रहने वाला है यार, मज़ा आएगा आज। वैसे अभी हल्की हल्की बारिश तो चालू हो गई है, जैसे देख रहा हूँ हल्की हल्की बारिश तो अभी आ रही है, कोई नहीं, मगर लग तो नहीं रहेगी एकदम ज़्यादा से आएगी, होप करते हैं एकदम ज़्यादा ना आए। A few inches later. जिसके लिए होप कर रहे थे वो चालू हो गया, एक्सपेक्टेड लग रहा था अभी कि बारिश आएगी करके, और बारिश चालू हो भी गई, मगर अभी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब हाँ लग रही तो है, वो भिगाने वाली इतना कंफर्म है, पर ठीक है, वर्स नहीं है, एकदम नॉर्मल चल रहा है इतना। और अभी हम लोग आ गए ना मोस्ट चौक तक, तो आ गए तो चौक तक तो इतना बारिश नहीं लगा है अभी तक, बस अभी आगे का देखते हैं, क्योंकि आगे जैसे जैसे आगे जाएंगे मेरे को मालूम है आगे बारिश बढ़ने वाली है हमारी, तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। गाइस यार क्या व्यू है आगे, वो देखो पूरा पहाड़ बर्फ, बोल देना पूरा फॉग में गायब हो गया, ऐसा लग रहा है बर्फ़ का पहाड़ है वो पूरा, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, उसमें पूरा पहाड़ गायब हो गया आगे का। और इसी तरह हम चौक में आ गए हैं, अभी ये मेरे टर्न से आपको समझा रहेगा हम लोग जा रहे हैं किधर है, हाँ हम लोग करजत माथेरान साइड ही जा रहे हैं, और इसमें भी मैं अभी सस्पेंस रखूँगा हम एग्जैक्टली कहाँ जा रहे हैं। ऑल राइट, सो बारिश बढ़ गई थी इसके लिए हम लोग सोचा थोड़ा रुक जाते हैं, रेनकोट वगैरह कवर कर लेते, और जगह भी ऐसी मिली, इधर ही नाश्ते के लिए रुक गए, बोले चलो बारिश गिरी तब तो नाश्ता भी हो जाएगा, और सबको इंट्रोड्यूस भी करा देता हूँ। तो ये चार लोग जा रहे हैं मेरे साथ, ये अक्षय, ये अनु, ये हमारा बग, और ये अभी, तो इधर तो नाश्ता चल रहा है फुल चिल वाइब यार, देखो क्या सही क्लाइमेट है इधर, और ऐसे इसमें हम लोग बैठे हैं। तो चलो अभी आप लोग से मिलता हूँ नाश्ता वगैरह करके, चलो नाश्ता करके हो गया निकलने का, अभी थोड़ा फ्रेश लग रहा है, अभी बराबर टाइमिंग हुआ, बारिश भी रुक गई हमारी,
नाश्ता भी हो गया और अभी थोड़ा एनर्जेटिक लग रहा है। तो अभी हम लोग आ गए करजत, और जैसे कि हमें माथेरान जाना है तो यहाँ से हमने लिया है लेफ्ट। ये लोग शायद पीछे रह गए, इनका वेट करते हैं। लिटरली यार अभी क्लाइमेट बहुत बोलते ना बहुत सही हो गया है, पूरी बारिश खुल चुकी है। हम लोग को लगा था कि अभी चलो माथेरान में आ रहे तो उधर एटलीस्ट मिलेगा ही मिलेगा बारिश, मगर आज लग बहुत अच्छा है। जो बीच में थोड़ी बारिश मिली थी बस उतनी ही मिली है, और अभी तो पूरा रोड क्लियर है और रोड भी इतना सीनिक है, प्लस अभी बारिश नहीं है और ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच भी गए। अभी बस माथेरान का घाट आ जाएगा, एक बार एंट्री आ जाएगी माथेरान की, वहाँ से बस एक बार मेरे हिसाब से अभी हार्डली 10-15 मिनट का रास्ता रहेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं रहने वाला। सो ये माथेरान का घाट स्टार्ट हो गया हमारा। अरे तू कब आया? आया रे। कहा सही घाट है, मैं हर बार जब भी इधर आता हूँ ना तब ये घाट में ऐसा लगता है मैं पहली बार ही आया हूँ। फुल टर्न और कॉर्नरिंग के लिए तो भाई एक और क्या व्यू आ रहा है यार। पूरे बंदर देखो लाइन से बैठे सब। चलो फोटो सेशन हो गया, अभी सीधा ऊपर। अभी नॉन स्टॉप ऊपर ना? हाँ चलेगा चल। अरे चल पहुंच जाएंगे, अभी क्या बड़ा करके मतलब। लेट्स गो। फॉग आया इसका मतलब बारिश नहीं है, क्योंकि बारिश आती तो फॉग हट जाता, और ऊपर तो कुछ दिख ही नहीं रहा हमें। हाँ इधर से अपन पेव फोर्ट में गए थे, यहीं से हम लोग पेव फोर्ट गए थे। इसके पहले मैं 2 बार आ चुका हूँ, एक बार पेव फोर्ट के लिए आया था और एक बार पेव फोर्ट के ट्रैक के डैम में आया था, ऊपर से एक माथेरान। दोनों भी ब्लॉग मैंने बनाया है, यूट्यूब पे मैंने पोस्ट भी किए, इधर आई बटन पे आ रहे रहेंगे, आपको लिंक डाल दूंगा, वो भी एक बार चेक कर लेना। जिसको पेव फोर्ट देखना है वो भी डाल दूंगा, और जिसको माथेरान जो हम लोगों ने एक्सप्लोर किए थे वो भी आपको डाल दूंगा, सभी पॉइंट हमने कवर किए थे उसमें, तो वो दोनों ब्लॉग आ जाएंगे आई बटन में, उसमें आप चेक कर सकते हो। और इसी के साथ प्रॉपर कॉर्नरिंग। ऑलराइट, सो एंट्री हम लोगों ने कर ली है और बाइक्स हमारी पार्किंग में हम लोगों ने पार्क कर दी है। बाइक का पार्किंग का बता दें तो 45 रुपीज़ बाइक का है, यानी कि अगर 2 दिन रुक रहे हो तो हमारा 90 रुपीज़ एक बाइक का हुआ है। और यहाँ से एंट्री फीस है 50 रुपीज़ पर पर्सन, वो भी हो गया। अभी बस यहाँ से ट्रेन लेना है अमन लॉज से, और वहाँ से सीधा माथेरान। बाकी क्या व्यू है यार। ट्रैकिंग का पार्ट मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे ब्लॉग में कवर है, मैं आई बटन पे सब लिंक डाल दूँगा, उसमें आप प्रॉपर ट्रैकिंग वाला पार्ट देख पाओगे। और ये है आज का हमारा डेस्टिनेशन, यहाँ हम स्टे करने वाले। और लिटरली हालत थोड़ी ख़राब हो गई है क्योंकि बहुत वेट है, सब कैमरा भी मेरा सब सामान से पूरा बैग हीवी हो गया हमारा। मगर अभी जो सुकून मिल रहा है ना इधर, एक बार एंट्रेंस भी देख लो।
तो चलो चेक इन करके सीधा मिलता हूँ। राइट, सो फाइनली मैंने चेक इन कर लिया है और रूम बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे एक बेडरूम है और वहाँ ऊपर एक मास्टर बेडरूम है, और व्यू व्यू एक बार दिखाता हूँ। देखा क्या सही व्यू है। सो दोस्त लोग तो चले भी गए पूल के अंदर, मेरे को भी जाना है, तो फटाफट आप लोग से भी चेंज करते हो, पहले पूल में जाते हैं। चलो रेडी हो गए पूल के लिए। और क्या फॉग है यार, और इतने ठंडी में हम लोग पूल में जा रहे हैं, लिटरली मतलब कुछ है ही नहीं इसमें। तो चलो मिलते हैं अभी पूल में। स्टेयर्स क्या है यार इधर, लिटरली मतलब स्टेयर्स एक पार्ट में यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। क्या हुआ मंजूर भाई, बहुत सीन बेकार रंदा पानी हो गई मजा। अरे बहुत। और इधर अचानक से बारिश भी आने लग गया, फॉग भी आ गया। कैसा क्या क्या एक्सपीरियंस, चल देखो भी लेके जा रहे। चलो आप लोग एक बार पूल दिखा देता हूँ, ये लोग का तो हो गया बन भर गया इधर। ले क्या सीनिक पूल है यार। और वो ऊपर सेकंड फ्लोर पे हम लोग रुके, और क्या ही पूल है यार, बन गया। मतलब इधर शूट करने में जो मज़ा आने वाली है ना, और आप लोगों को पता है ये सब शूट आपको कहाँ पे देखने मिलेगा, मेरा इंस्टा आईडी यहाँ पे आ रहा होगा, इंस्टा आईडी पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे आपको आज का सब शूट वहाँ पे देखने मिल जाएगा। बहुत सही से हमने रास्ते से भी फ़ोटो बहुत सही निकाले, और इधर भी आके तो शूट तो चल ही रहा है। बाकी व्यू और लोकेशन एक नंबर मिला है। चलो प्लान में इतना मस्त चेंज हुआ ना हमारे, कि जैसे पूल में आने के लिए मैं उतरा तब तक ये लोग हालत ख़राब करके आ गए थे अपने, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, और एकदम अभी फॉग भी आ गया, इसका मतलब बारिश भी आएगी, तो सब लोग भाग के ऊपर चले गए। ऑलराइट, सो जैसे बारिश की वजह से स्विमिंग करने का प्लान कैंसिल हो गया था, मगर हम लोग ने फोटोशूट करने का प्लान बना लिया, और सब लोग रेडी हो गए। ये देखो वेट रेसिंग हो गई है। चलो अभी फटाफट शूट करेंगे, क्योंकि बारिश खुली तो पूरा बोलते हैं ना, हम लोग को जितना एक्सप्लोर ज़्यादा कर सकते उतना करना है। सो ये अनुलोक किधर है, लॉक कर दिया ना। चालू है ब्रो, ये क्या व्यू आ रहा है भेड़। Thank you.